गाइस कैसे आप सब। उम्मीद है कि सब बढ़िया होंगे। मैं लेके आ गया एक धमाकेदार वीडियो जो कि काफ़ी तबाही डालने वाली है। इधर मेरे टीममेट के साथ काफ़ी काफ़ी स्कैम भी होंगे, तो देखते जाइए। काफ़ी मज़ा आने वाला है, इंटेंस फाइटिंग में देखने के लिए मिलेगी। जो कि मेरा इस कैंप प्ले को रिकॉर्ड करने का कुछ खास विचार तो नहीं था, फिलहाल कर लेता हूँ। जो कि मेरे टीममेट भी खेल रहे थे तो बोल रहे थे कि रिकॉर्ड कर ले, तो चलो मैं कर लेता हूँ। तो अभी आपको सस्ते नशे देखने के लिए मिलेंगे, जो कि अपन स्टेडियम में उतर रखे हैं। जो कि बंदे भाई अभी तो उतर ही रहे हैं, जो कि भटकती आत्मा की तरह भटकते भटकते भाई इधर भी आ चुके हैं, जो कि इनका स्वागत करते अपन। आपको पता ही है कैसे करते हैं स्वागत, तो इनको भटकते हुए आए तो थे, अब इनको भटकते हुए अपन पहुंचा देते हैं लॉबी में, जो कि इन्हीं के बाकी के दो टीममेट होंगे तो ही आश्रय होंगे, क्योंकि ये लोग जाके मर गए। तो आई थिंक इन लोगों को तो छोड़ देते, मार देते हैं, तो ये लोग मारे जाते हैं, जो कि इनको मुक्ति दे देते हैं अपन। तो फिलहाल इधर स्टेडियम में अपन को कुछ खास लूट तो नहीं मिलती है, तो फिलहाल थोड़ी बहुत लूट वगैरह करके निकलते हैं भाई, गाड़ी वगैरह लेके और बंदूक की तलाश में, क्या ही करना इधर रुक के। तो आई थिंक मैं गाड़ी लेने इस साइड आता हूँ, तो मेरे ऊपर की साइड से फायरिंग आता है कुछ, तो मेरे टीममेट को साथ बिठाता हूँ, तो कि चलता हूँ इस बंदों पर रस मारने के लिए। तो फिलहाल हमारे पीछे भाई हमारे पूर्वज आ चुके हैं, जो कि इनका स्वागत तो भाई मैं पहले करता हूँ, जो कि इनसे मेरा काफ़ी पुराना दुश्मनी चल रहा है। तो आई थिंक जब तक दुश्मनी ख़त्म नहीं होता है तो मैं इनको छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो एक को मेरा टीममेट निपटाता है, एक को मैं निपटाता हूँ बॉट को, और इनको मैं ऐसा नहीं है भाई डायरेक्ट फिनिश करता हूँ, भटकता भी हूँ भटकाता भी हूँ। जो कि इनकी भटकते भटकते भाई अभी मेरे वो उस स्पॉट का किल मिलने वाला है, जो मिल चुका है। तो भाई मेरे को बंदे की भाई काफ़ी तेज़ी से तलाश थी, जो कि मेरे को इधर फुट स्टेप आते हैं, काफ़ी से नहीं पर बिल्कुल बारीक से फुट स्टेप आते हैं एक बंदे के साइज से, बंदा था या बॉट था। तो मैं भाई इधर चेक करने आता हूँ, तो फुट स्टेप के नाम पर मेरे को कुछ भी नहीं मिलता है, तो बदले में फायर करता हूँ थोड़ा बहुत, शायद से कोई जवाब दे। तो भाई जवाब मिलता है बिल्कुल भी, भाई थड़ेल की तरफ से कुछ बंदे आ चुके हैं, जो कि भाई ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले बंदे हैं, जो कि काफ़ी ख़तरनाक हैं। तो ये भी भाई मेरे टीममेट के साथ काफ़ी गंदे गंदे सीन करने वाले हैं। तो भाई लोग भाई बंदे आप सोच सकते हो कितने ख़तरनाक हैं, क्योंकि इन लोगों ने भाई थड़ेल क्लियर किया है, तो बंदे तो भाई काफ़ी आसानी से तो नहीं जाने वाले हैं। तो आई थिंक मेरा टीममेट के पास AWM थी, तो एक टीममेट को नॉक कर देता है वो। तो अब बारी थी भाई हमारी, जो कि रस मारने की इन बंदों पे। करते भी अपन वैसा ही है, रस मारते हैं, जो कि इसका रेल से सिक्स एक्स से भाई बनता है, थोड़ा बहुत पिक वगैरह देता है, तो मैं इधर से कुछ डैमेज भी नहीं दे पाता हूँ उसको। मैंने पता ही नहीं क्या सोच के उससे मारने की कोशिश की, पर वो मरता नहीं है, कुछ नहीं होता है उसको। तो भाई इधर ये लोग भाई टीममेट मेरे काफ़ी ख़राब हैं, जो कि डायरेक्ट घुस जाते हैं, तो इनके चक्कर में भाई मेरे को भी घुसना पड़ा। तो पुश्ते पे एक बंदे के आए थे मेरे को, तो इस कारण से भाई दो से तीन बंदे निकलते हैं इधर, तीन से चार बंदे निकलते हैं। तो जो कि मेरे टीममेट को भाई पूरे के पूरे करने वाले हैं, जो कि नॉक। तो आई थिंक ये लास्ट बच रहा है उन्हीं का टीममेट, तो पहले इसको मारते हैं। जो कि इसी के साथ साथ भाई ये 1v3 कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना कमेंट में। जो कि मेरे टीममेट को भाई पहले घुसने की काफ़ी गंदी आदत है, जो कि पहले घुस के नॉक हो जाते हैं। तो आई थिंक पहले इनको उठाते हैं, जो कि भाई देखो पूर्वज भाई बॉट हमारे, जो कि इनसे काफ़ी गंदा वाला दुश्मनी चल रहा है अपना, फिर भी अपनी टांग अड़ानी है बीच में, तो आई थिंक अड़ाते हैं। तो इधर अपने टीममेट वगैरह को रिवाइव वगैरह देख के भाई इधर से गपागप लूटते हैं, जो कि मेरे पास सब कुछ आ जाता है इधर से। तो लूट की कुछ कमी तो नहीं है, पर कुछ भटकती आत्मा की तरह कुछ गाड़ी भी भटक रही है इधर, जो कि बंदे भी भाई काफ़ी कुछ प्रकार के भाई कुछ कह नहीं सकते इन बंदों के बारे में, जो कि काफ़ी भगाने वाले बंदे और काफ़ी आरामी बंदे, सोचो समझ लो आप। तो ऐसे जैसे भाई मैं इस बंदे को नॉक कर देता हूँ, यहाँ तक तो सब सही है। तो मैं बारी थी इन बंदों पर रसमाने की, जो कि एक नॉक है और एक रिवाइव दे रहा होगा और एक आसपास होगा, तो इस कारण से भाई मैं इसको नॉक कर देता हूँ। तो बारी थी भाई इन बंदों पर रसमाने की, जो कि मेरे टीममेट देखिए भाई अब पीछे रह गए, पहले तो आगे आगे भागते थे, अब पीछे रह गए हैं, जो कि एक बार नॉक हो चुके हैं वो, तो दूसरी बार वो गलती नहीं कर रहे हो। तो हमारे बारी थी भाई, इससे ऊपर साइड भी कुछ बंदे हैं, तो इस कारण से हम भी रस नहीं मारते हैं। तो हम रस पहले उस साइड बाद में मारेंगे, पहले इस साइड मारेंगे, जो कि एक बंदा देख लेता है, जो कि अच्छा खासा डैमेज मेरे को काफ़ी गंदा वाला पड़ता है। तो पढ़ते पढ़ते भाई अपन आ जाते हैं इधर साइड, जो कि हेल्थ
किट लगाता हूँ, एक तो पहले अपनी हेल्थ फुल करेंगे, फिर बारी है भाई इन बंदों पे रस मारने की, जब तक कि भाई मेरे टीममेट आ जाएंगे इधर। तो भाई एक बंदा नीचे कौन जाता है जो कि ऊपर से, तो मैं इस साइड आ जाता हूँ जो कि मेरे को पता था कि थोड़ा बहुत एंगल ज़रूर बनाएगा। तो इस कारण से मेरा टीममेट भाई एक बंदे को नॉक कर देता है, तो बारी थी दूसरे बंदे को मेरे को मारने की उसकी। तो वैसा करता भी मैं, इसका लास्ट टीममेट मैं मार देता हूँ, और भाई सामने वाले बंदे भी कहाँ कम होने वाले हैं, जो कि उनने भी काफ़ी गंदा वाला बदला लिया है। बदले में हमने भी उनका एक टीममेट नॉक किया, उन्होंने भी हमारा नॉक किया, और बंदे भाई रस करने के नाम पे भाई काफ़ी गंदा वाला काट देते हैं, जो कि मैं सोच रहा था कि रस करेंगे तो 2 से 3 किल मिल जाएंगे आसानी से। तो आई थिंक ऐसा नहीं होने वाला था, जो कि बंदे भाग गए, काफ़ी आरामी बंदे थे मैंने पहले ही बोला। और भाई ये ब्रिज कैंप 2002 का चल रहा है, जो कि काफ़ी सस्ता वाला ब्रिज कैंप है, जो कि एक बंदा 3 बंदों पर ब्रिज कैंप कर रहा है, और पता ही नहीं कहाँ से कर रहा है, कुछ अता पता नहीं, पेड़ वो पत्थर के पीछे से भाई ब्रिज कैंप, और 3 बंदों के ऊपर करोगे तो भाई हालत तो ख़राब होनी है इनकी। तो इनको काफ़ी सारा मैं डैमेज देता हूँ कई बार, और मैं एक गलती करने वाला हूँ इधर, जो कि हेल्थ किट लगाता हूँ। आप लोग भाई ये गलती मत करना, जो कि भाई मेरे टीममेट थे पीछे, इस कारण से मैंने हेल्थ किट लगा ली एक, अगर आप लोग लगाओगे तो पेटी बना देगा ये बंदा किला होंगे आप। तो आई थिंक ऐसा, चलो कोई ना, इसको मेरा टीममेट एक WM देता है, एक मैं देता हूँ, तो मतलब M4 देता हूँ, सॉरी। तो इस कारण से इस बंदे को मार देते हैं। तो फिलहाल बारी थी भाई इन 3 बंदों की और की ढूंढने की, क्योंकि आप गेस्ट करो भाई ये कौन से बंदे होने वाले हैं। ये वही बंदे होने वाले हैं जो कि मैं बता रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने एक बंदा इसमें से नॉक किया हो, और वो गाड़ी वाले थे जो कि बहुत हरामी बंदे हैं। तो ये रस के नाम पे कद्दू नहीं करेंगे इधर भी, मेरे को पता है। ये अलग अलग फैल जाते हैं, जो कि काफ़ी उच्च प्रकार की, मतलब कुछ भी कह दो इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये फैल जाते हैं। कार90 भी चला रहे हैं, पर फैल के चला रहे हैं कोई ना। तो मेरा, मैं सोच रहा था कि इधर से मेरे पे कुछ नहीं होगा, और मेरा टीममेट भाई AWM है, तो वो मार भी देगा इधर को, तो इधर मैं नहीं रुक सकता हूँ, जो कि मैं सीधा रस नहीं मारूँगा। वैसे सीधा भी मारूँगा तो भी मारा जाऊँगा। तो आई थिंक मेरा टीममेट ने भाई किल चोरी कर ही लिया आखिरकार। तो वहीं मैं जब तक धीरे धीरे चलता हूँ उस साइड, क्योंकि मैं सोच रहा था कि रिवाइव हो जाए तो 1 किल और मिल जाएगा ये वाला। तो इस भाई 1 किल बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये अपने ग्रेनेड एक कुक करके डालूंगा पहले, तो मैं थोड़ा बहुत साइड से इधर रिवाइविंग वगैरह दे रहा हो। फिलहाल ये रिवाइविंग तो नहीं दे रहा था, ये भाई तड़प तड़प के मर जाता है, पर इसके टीममेट भाई बड़े हरामी हैं, जो कि बचाने नहीं आते इसको। और ये अपने टीममेट से अलग करने क्या ही आया कुछ पता नहीं, इसी को पता होगा जो भाई किस लिए आया अलग। तो मेरा टीममेट को देखो भाई कितना जल्दी में भाई पुश कर रहा है, जो कि बंदे भाई इसके साथ भी भाई, मेरे दोनों टीममेट के साथ भाई, देखिए कैसा स्कैम होने वाला है इधर ही इधर। तो आई थिंक इनको काफ़ी जल्दी थी जाने की, और मेरे को भी जल्दी थी, क्योंकि इसका किल ना चले जाए मेरे हाथों से, इस कारण से मैं भी जल्दी जल्दी जा रहा था। पर भाई मैं इतना भी जल्दी नहीं जा रहा था, जो कि इस तरह से भाई PVP लेके बैठा और MK ऊपर से। तो पहले मैं सोचता हूँ इस बंदे पर रस मारूँ, फिर सोचता हूँ नीचे वाले पर मारूँ, ऊपर नीचे होते होते भाई मैं नीचे वाले पर मार देता हूँ, क्योंकि नीचे वाले से मेरे काफ़ी गंदे फुटस्टेप आ रहे हैं। और जो कि शॉट गन चला रहा है, तो भाई शॉट गन से तो बच के भाई बाल बाल बचाऊँ मैं भाई। शॉट गन AKM और ड्रॉप वगैरह भाई ये कितना लूट करके बैठे हैं, और भाई रश के नाम पे ये कुछ नहीं करते हैं, दूर से ही मारने वाले बंदे हैं। जो कि मैं भी इसको डैमेज देता हूँ काफ़ी सारा, बदले में भाई इसको मारा दिया जाता है। MK से बाल बाल बच गए, तो कोई ना भाई कर लेते हैं चिकनर, मिलते हैं ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और जो कि भाई नए बंदे हैं तो इस चैनल पे भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो कि पुराने हो चुके हैं तो भाई आप लोगों को पता ही है, लाइक करना है आपको, अच्छी लगी वो वीडियो तो। मिलते हैं कैसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।